18, 1920 तीन दिन यहाँ पर विश्वगुरु बसवेश्वर जी के कार्यक्षेत्र बीदर जिला के बसव कल्याण में विश्व कल्याण पर्व कार्यक्रम उत्सव हो रहा है। बसव धर्म पीठ महामने महामठ के इस कैंपस में तीन दिन तक कल्याण पर्व उत्सव कार्यक्रम होगा। परम पूजा बसव धर्म पीठाध्यक्ष महाजगद्गुरु गंगा माता जी के सानिध्य में और पूज्य श्री जगद्गुरु सिद्धरामेश्वर स्वामी जी और सभी बसव धर्म पीठ के जंगमूर्तियों के नेतृत्व में तीन दिन का यहाँ पर कल्याण पर्व उत्सव कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, केरला, तमिलनाडु और दिल्ली से भी हजारों लोगों की संख्या में शरण शरणिया लेडीज एंड जेंट्स सभी 7-8 स्टेट के लोग यहाँ पर बसों मंडल उपस्थित रहेंगे और यहाँ पर कोई जाति मत पंथ का भेद न करते हुए सभी मानव को यहाँ पर अवकाश है। गुरु बसवेश्वर जी ने जो लिंगायत धर्म स्थापना के अनुभव मंडप के जरिए तो इस अनुभव मंडप में यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ कोई न ऐसा न कहलाइए, यहाँ अपना है, यहाँ अपना है, यहाँ अपना है ऐसा कहलाइए। सबको अपनाने का धर्म ये लिंगायत धर्म है और बसवानी शरणों का जो संदेश है और उनके जो चिंतन है उसके बारे में तीन दिन तक यहाँ पर चिंतन गोष्ठी होंगे। 19 तारीख को उद्घाटन है, 18 तारीख को एक धर्म चिंतन है, 20 तारीख को पीठारोहण कार्यक्रम है और 19 तारीख को सुबह प्रातःकाल 7 बजे शरण वंदना कार्यक्रम, सभी 770 शरणों के नाम लेकर उनको शरणारी के शरण शरणार्थी ऐसे शरण वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर साल के जैसा तीन दिन का यहाँ कार्यक्रम होगा। सभी शरण बंधुओं से हम निवेदन करते हैं कि तन मन धन से इस कल्याण पर्व उत्सव को यशस्वी करें और अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम में भाग लें। हम ये कल्याण पर्व उत्सव समिति की ओर से, बसव धर्म पीठ की ओर से और राष्ट्रीय बसव की ओर से हम सबको निवेदन करते हैं। जिस तरह से क्या कर्नाटक गवर्नमेंट ने कोविड गाइडलाइंस जारी की है तो क्या इसका पालन किया जाएगा? जो भी कोविड के अभी तो कुछ नहीं है, उसको कंडीशंस नहीं है, फिर भी वो जिलाधिकारी या वो कंडीशंस डालेंगे तो उसका वो अनुपालन करेंगे। पथ संचलन इसके बारे में हर साल तो हम करते हैं, कोविड की वजह से नहीं किया गया, अभी इस बार का हम चिंतन कर रहे हैं। कोविड की वजह से बाहर करना या इधर ही अंदर ही करना मूर्ति से आना किसके बारे में हम सोच रहे बाद में आपको। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। सभी को मेरा शरणों शरणार्थी। इसी महीने 18, 19 और 20 तारीख तीन दिन के लिए बसव कल्याण में 20वां कल्याण पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं हमारे समस्त शरण बांधवों को महाजनता से मैं विनंती करता हूं कि तीन दिन का इस कार्यक्रम में सभी भाग लेना चाहिए, क्योंकि बसव कल्याण जगत विश्व में ही सबसे पावन भूमि है। यह 12वीं शताब्दी में बहुत बड़ा क्रांति हुआ था बसवेश्वर जी के नेतृत्व में। यही वो पवित्र भूमि है जो प्रजाप्रभुत्व के मूल्यों को प्रतिपादन किया था, ह्यूमन राइट्स के बारे में 12वीं शताब्दी में यहाँ बातचीत की गई थी, महिला समानता, लिंग भेद, वर्ण भेद, ये सभी भेदों को मिटाकर केवल मानवीयता का बारे में यहाँ पे सभी संदेश दिए गए थे। सभी जाति मत पंथ के भेद को मिटाया गया था। ऐसे पवित्र भूमि में आज हम सभी को अपना जाति मत पंथ जो भी है उन सबको भूलकर हम बसवेश्वर जी के सब शरणों के जो दिए हुए संदेश है उनके बारे में चिंतन मंथन करने के लिए कार्यक्रम है। आज विश्व जो भी समस्या फेस कर रही है उन सभी समस्याओं का समाधान शरण दिए सो वचन साहित्य में है, तो हम सभी अगर वचन साहित्य का अनुसरण करते हैं तो आज हम सभी एक अच्छा विश्व निर्माण करने में सफल हो सकते हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम सभी के लिए आयोजित किया गया है। मैं विनती करता हूँ कि सब लोग इसमें भाग लें और इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाएं। धन्यवाद।